ये जो मैं अभी आपको फ़ोन बताने वाला हूँ ये सारे प्रीमियम फ़ोन है और इसमें सब में आपको 5G सपोर्ट करेगा। ओके सो अभी ये अपकमिंग फ़ोन है जिसमें आपको 5G मिलेगा, तो और आज के इस वीडियो में थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। हेलो एवरीवन, मैं नाम आशित गोपाल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5G फ़ोन जो कि अभी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। तो जो पहला फ़ोन है वो है OnePlus 7। तो OnePlus 7 अभी हाल ही में इंडिया में लॉन्च होने वाला है और इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलेगा, इस फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा मिलेगा और जैसे कि वीवो नेक्स में आया था पॉपअप कैमरा, वैसे सेम इसमें भी आपको पॉपअप कैमरा मिलेगा। और जहाँ तक बात करूँ फ़ोन लुक वाइज कुछ इस तरीके का जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। और नेक्स्ट फ़ोन है वो एक फोल्डेबल फ़ोन है Huawei Mate X। ये भी सैमसंग के कॉम्पिटिटर है, जो सैमसंग फोल्ड है जो अभी हाल ही में आया Samsung Galaxy F, उसी का ये कॉम्पिटिटर है। और ये फ़ोन काफ़ी अच्छे है, उसका प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। वैसे तो जितना भी 5G फ़ोन है वो सबका प्राइस काफ़ी हाई है। ओके सो अब बात करते हैं जो थर्ड फ़ोन है वो है आपका Samsung Galaxy S10 5G। ओके सो ये भी 5G फ़ोन है, आपको इसके टाइटल से ही पता चल गया होगा। तो यार इसमें भी वही सेम है, फ़ोन कॉम्पैक्ट है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, एग्जैक्टली ठीक से ये पता नहीं चल रहा है इसका, इसलिए मैं आपको ज़्यादा स्पेसिफिकेशन बता नहीं रहा हूँ। तो S10 में भी ट्रिपल कैमरा मिलेगा और आप देख सकते हैं इसमें आपको साइड में नॉच मिल रहा है जो कि काफ़ी अभी ट्रेंडिंग में है और ये काफ़ी कूल भी लग रहा है फ़ोन। करते हैं नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, तो ये है Vivo Apex और इस फ़ोन में आपको 12GB का रैम मिलेगा, ये इसका हाईलाइटिंग फीचर है। मैं सब फ़ोन का आपको प्राइस भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। जैसे कि बताया क्यों नहीं बता रहा हूं, तो ये भी इंडिया में लॉन्च हो सकता है, अपकमिंग है कह सकते हैं इसको। जो नेक्स्ट है वो है Lenovo Z6 Pro, इसको MWC में अभी हाईलाइट किया गया था और ये भी फोन काफी अच्छा है। आप देख सकते हैं इसमें भी आपको पॉपअप कैमरा मिल सकता है। ओके सो जो OnePlus 7 है वो आपको करीब पड़ जाएगा अराउंड 40,000 रुपीज। बता देता हूँ पहले कि प्राइस में चेंजेस हो सकते हैं, तो इसका जो प्राइस है मैं बताया 40,000 रुपीज है। अब बात करते हैं नेक्स्ट Huawei Mate X की, इसका प्राइस आपको पड़ सकता है 1,85,000। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ जो कि है Samsung Galaxy S10, इसका प्राइस है 90,000 रुपीज। ओके सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट Vivo Apex 2019 के तरफ, ये इसका मेन हाईलाइटिंग फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया और इसका प्राइस है 44,000 रुपीज। ओके अब लास्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं, वो Lenovo Z6 Pro, इस फोन में आप टाइप सी भी सपोर्ट करेगा और इसका जो प्राइस है वो है 32,000 रुपीज़। ओके सो ये सब इसके फीचर हैं। तो बस यार वीडियो यहीं तक था, एकदम शॉर्ट सा वीडियो था। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं आशित गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ। We'll be right back.